हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लाइफ्स रेसिपी कॉर्नर। मैं हूं निरुपमा और आज हम बनाने वाले हैं चिकन की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है और 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 250 ग्राम चिकन में 1 टेबलस्पून जैसा सोया सॉस मिला लिया है। यहाँ पे हमने ब्रेस्ट पीस लिया है। नमक आपको स्वादानुसार लेना है, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। साथ ही हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और इसे 30 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन का टाइम है, उसी में आपको टाइम लगेगा। चिकन जब हम कुक करने जाएंगे, हमें 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसको हम 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज प्याज को क्यूब काट के से अलग अलग कर लिया है। 2 मीडियम साइज कैप्सिकम लिया है, उसको भी क्यूब काटा है। ग्रीन चिलीज लिए हैं और लहसुन लिया है, जिसको हमने क्रश कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हम 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल आप अपने पसंद का कोई भी ले सकते हैं। अब ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है, हम इसमें गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक को जस्ट 30 सेकेंड तक हम पकने देंगे और उसी में हम साथ ही साथ चिकन भी ऐड कर देंगे। ध्यान रहे, गार्लिक को हमें 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इसे हमें चिकन के साथ ही पकने देना है। चिकन को आप 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आप उससे ज़्यादा मैरिनेट करके रख सकते हैं तो वो और भी टेस्टी होगा। तो इसको हम अच्छे से देंगे मिक्स। चिकन को अच्छे से मिलाने के बाद में हमें इसे 3 से 4 मिनट पकने देना है। चिकन को हमने चूँकि मैरिनेट किया हुआ था, तो इसे पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन 70% तक कुक हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए कैप्सिकम और ओनियन ऐड कर देंगे। वैसे नॉर्मली तो कोई भी चाइनीज़ आइटम अगर आप खा रहे हो, तो उसमें जो होती है सब्ज़ियों की क्रंचीनेस होना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हमें चाइनीज़ में वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं होता है, बट हम इंडियंस हर चीज़ को अच्छे से कुक करके खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए हमने कैप्सिकम और अनियंस थोड़ा पहले डाला है, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। अब हमने यहाँ पर साथ में ही ग्रीन चिलीज़ भी डाल दिया है और इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे वेजिटेबल्स को डालने के बाद में हम इसे और 3 से 4 मिनट कुक होने देंगे। और इसमें अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा सोया सॉस और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो पहले आपने मैरिनेशन के टाइम पे जो दिया था वो इनफ है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऐड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इसमें चिली सॉस भी ऐड कर रहे हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। चिली सॉस मिला के हम इसको देंगे अच्छा सा मिक्स और इसे 1 से 2 मिनट तक हम पकने देंगे। तो टोटल वेजिटेबल्स डालने के बाद में हमने इसे 4 से 5 मिनट पकाया है, जिससे हमारी वेजिटेबल की क्रंचीनेस भी बनी रहेगी और वो अच्छे से पक भी जाएंगे। तो हमारी डिश सर्व करने के लिए रेडी है। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।